गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू किया था, चैप्टर नंबर 3, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल फीचर्स एलिमेंट्स क्या हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, कब एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड मानेंगे, ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी एक एलिमेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, अगर कोई भी एक एलिमेंट उसमें से मिसिंग है, तो वो जो एग्रीमेंट होता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा अगर कोई भी एलिमेंट उसमें मिसिंग होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं? सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ का होना, क्योंकि एक इंडिविजुअल खुद के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। तो सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कंसिडरेशन फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो एक एग्रीमेंट है। और एक एग्रीमेंट पर पहुँचने के लिए ये इम्प्लाइड होता है कि एक पार्टी जो है वो प्रपोजल देगी और दूसरी उसे एक्सेप्ट करेगी। मतलब एक आप ऑफर उसको कर रही है एक पार्टी, और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B, जब एक पर्सन जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है वो अपनी सहमति देता है, तो हम कहते हैं कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जब तक प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तब तक वो प्रॉमिस नहीं बनता, और प्रॉमिस नहीं बनता तो कोई एग्रीमेंट नहीं बन सकता। जैसे अगर मोहन प्रपोजल देता है कि वो अपनी कार सेल करेगा सोहन को 50,000 में, और सोहन उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तब दोनों के बीच में वैलिड एग्रीमेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारा एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज कॉम्पिटेंसी और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। सेकंड फीचर जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का है दैट इज कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहती हैं वो लीगली कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। लीगली कॉम्पिटेंट का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, हर एक पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर वो 18 साल से ऊपर का है। मतलब उसकी जो एज है वो मेजर है, साउंड माइंड का है, और वो डिसक्वालिफाइड नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसी लॉ के अकॉर्डिंग, तब हम कहेंगे कि वो जो पर्सन है वो लीगली कॉम्पिटेंट है। 18 ईयर्स है तो मेजर है, और 18 ईयर्स से कम है तो वो माइनर है। एक पर्सन जो माइनर है उसके लिए कोर्ट ने अगर गार्जियन अपॉइंट किया है उसकी प्रॉपर्टी को सुपरवाइज करने के लिए, तो उस पर्सन को हम मेजर कब मानते हैं? जब वो 21 साल का होता है। अगर माइनर है उसके लिए गार्जियन अपॉइंट किया गया है तो उसकी जो मेजॉरिटी की एज है, मेजर बनने की एज है, वो 21 ईयर्स है। साउंड माइंड का मतलब है कि किसी भी टाइम पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की और जो भी उसकी राइट्स हैं उसे उसको समझ आ रही हैं, वो अंडरस्टैंड उनको कर रहा है, तब हम उसे कहेंगे कि वो साउंड माइंड का है। इनकॉम्पिटेंट कौन से पर्सन्स हैं? जिन्हें लॉ के अकॉर्डिंग मना किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपकी एनिमीज कंट्री की, डिप्लोमेटिक पर्सन, बैंकक्रप्ट पर्सन्स, और जिनको इम्प्रिजनमेंट हुई है एसेट्रा, जैसे जो पर्सन्स हैं उनको हम इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर करते हैं एज पर लॉ कि वो एंटर नहीं कर सकते किसी कॉन्ट्रैक्ट में। थर्ड जो पॉइंट आता है दैट इज़ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। जो थर्ड एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का वो है
कि वहां पर आपकी फ्री और जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की। फ्री और जेन्युइन कंसेंट का मतलब है कि वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, जो कंसेंट है पार्टीज की, वो तब फ्री मानी जाएगी जब दोनों पार्टीज जो भी कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट है, उसके लिए सेम अंडरस्टैंडिंग पर है, सेम सहमति पर है। अगर किसी भी टाइम पर दोनों में से किसी ने उसका गलत मतलब समझा, तो उसे फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ व्यूज होना जरूरी है कि आप एक पर्सन जिस बारे में बात कर रहा है, दूसरा पर्सन को भी वही समझ आ रहा है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तब हम कहते हैं कि आइडेंटिटी ऑफ व्यूज सेम है। देन जो आइडेंटिटी है, अगर नहीं है व्यूज की सेम, तो एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, एक एग्रीमेंट जो कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एसेट्रा के थ्रू करवाया जाता है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। मतलब अगर आप फ्रॉड से दूसरे पर्सन को फ्रॉड कर रहे हो, कोई उसे गलत चीज़ बता रहे हो, उसे ठीक टर्म्स कंडीशंस ना बता के बताओ कुछ और रहे हो और एक्चुअल में है कुछ और, या धमका के आप उससे काम करवा रहे हो, या उसको प्रेशराइज करके आप उससे एग्रीमेंट साइन करवा रहे हो, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। सपोज एक एग्जाम्पल, ए ने प्रपोजल दिया बी को कि वो अपनी फिएट कार बेचेगा 80,000 रुपये में। बी ने एक्सेप्ट किया ये सोचते हुए कि वो जो कार है वो मारुति है, बिकॉज मारुति ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस एग्जाम्पल ने में ए ने जो प्रपोजल दिया उसे बी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं दोनों का अलग अलग है। ए सोच रहा है कि वो फिएट बेच रहा है और बी सोच रहा है कि वो मारुति बाय कर रहा है, तो जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच में नहीं हो सकता। जब तक दोनों के बीच में जो कंटेंट है उसके ऊपर आइडेंटिटी ऑफ व्यूज ना हो। देन नेक्स्ट है आपका लॉफुल कंसिड्रेशन एंड लीगल ऑब्जेक्टिव। जो कंसिड्रेशन है, ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी अनादर एसेंशियल फीचर है। एक्सेप्ट स्पेशल केसेस जो लिस्टेड है सेक्शन 25 में, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव होना। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, जब प्रोमिसर की डिज़ायर पर जो प्रोमिसी है या जो कोई अदर पर्सन है वो कुछ करता है या कुछ नहीं करता है, या कुछ करता है और कुछ नहीं करता है, और प्रॉमिस करता है कुछ करने की या कुछ नहीं करने की, तो उस एक्ट को, उस प्रॉमिस को कंसिड्रेशन माना जाएगा। प्रॉमिस के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिड्रेशन प्राइस में होना ज़रूरी नहीं है। कंसिड्रेशन पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में भी हो सकती है, लेकिन कंसिड्रेशन रियल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, अजय ने ऑफर किया कि वो अपनी बुक सेल करेगा विजय को 20 रुपीज़ में, और विजय ने एक्सेप्ट किया ऑफर। इस केस में जो 20 रुपीज़ है वो कंसिड्रेशन है अजय के लिए, और जो बुक है वो कंसिड्रेशन है विजय के लिए, और ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट का वो लॉफुल है। तो इन अदर वर्ड्स, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23। अगर एग्रीमेंट के में कोई लीगल फ्लॉ है, कोई लीगल कमी है, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। वॉइड, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए असेंशियल है कि एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्पेसिफिकली वॉइड एग्रीमेंट्स में कौन से एग्रीमेंट्स आप इंक्लूड करते हो? एग्रीमेंट्स जो रिलेट करते हैं इंटरफेरेंस से किसी मैरिज सेरेमनी में, जैसे अगर आप
कर रहे हो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ माइनर, या एग्रीमेंट जो इंटरप्ट कर रहे हैं, सबोटेज कर रहे हैं किसी लीगल एक्टिविटी को जो गैम्बलिंग से रिलेटेड है, या कुछ ऐसा प्रॉमिस है जो इम्पॉसिबल है होना, तो उसे हम एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड की कैटेगरी में लेके आते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग एंड रजिस्टरिंग एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ भी हो सकता है और थ्रू राइटिंग भी हो सकता है, मतलब ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। एज पर लॉ कोई डिफरेंस नहीं है अगर कॉन्ट्रैक्ट ओरल करवाया जा रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में करवाया जा रहा है, लेकिन ये इंटरेस्ट में है पार्टीज़ के कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में हो, और कुछ अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए अगर कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल आपने बनाना है। जैसे किस कुछ केसेस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो स्टैम्प्ड होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए, और दूसरे केसेस में स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो जो स्टेचुरी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे कंप्लाई करना होगा। देन नेक्स्ट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए टू बी परफॉर्म्ड। एक ऐसा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जो वाकई ही प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। लाइक अगर कोई कहता है कि मैं डेड बॉडी में नहीं जान फूंक दूंगा, या फिर मैं मैजिक के थ्रू कोई खजाना खोज दूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए। लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता है इम्प्रैक्टिकल, इनडेफिनेट और वेग एग्रीमेंट को, क्योंकि वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। तो एक एग्रीमेंट अगर ये जो ऊपर 7 पॉइंट्स हमने पढ़े इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं करता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट ही रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में? एज पर सेक्शन जो एग्रीमेंट है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। डेफिनेशन एग्रीमेंट का मतलब है हर एक प्रॉमिस या हर एक एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो फॉर्म कर रहे हैं कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए, उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। स्कोप की बात करें तो जो एग्रीमेंट है उसका वाइड स्कोप होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए एग्रीमेंट होना पहले ज़रूरी है, जबकि जो स्कोप है कॉन्ट्रैक्ट का वो लिमिटेड है, क्योंकि सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। नेचर की बात करें तो एग्रीमेंट लीगल और एक्स्ट्रा लीगल अफेयर्स कवर करता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ लीगल अफेयर्स को कवर करता है। एग्रीमेंट की बात करें तो ये बेस्ड है ऑन प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है एग्रीमेंट के ऊपर। पार्टीज़ की लीगैलिटीज़ की बात करें तो एग्रीमेंट में पार्टीज़ की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ की लीगल ऑब्लिगेशन होती है, जैसे कि डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में। एग्रीमेंट में बात करें, इफेक्ट की बात करें, तो इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये था डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।